दिखावा करने के संबंध में दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो जिनके पास धन संपदा होती है तब वो दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास धन संपदा भी नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि उनके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं होता जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें, इसीलिए वो झूठ बोल बोल कर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। वो दिखावा करता है कुछ होने का, लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं है। जो लोग अपने गुण या फिर अपनी धन संपदा के कारण दिखावा करते हैं वो अहंकार के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार फूट फूट कर भर जाता है, उन्हें खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार उनके जीवन का मजा छीन लेता है। और जो लोग कुछ गुण या फिर धन संपदा ना होते हुए भी दिखावा करते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों की सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है, तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता, और इस दुनिया में कोई भी उनका अपना नहीं होता। उसके घर वाले, उसके माता पिता तक उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी दिखावा करने की आदत सबकी नजरों में उसे नीचा बना देती है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दिखावा करने की वजह से परिस्थितियों में फंसता चला जाता है, और आखिरकार उसका परिणाम क्या होता है ये तो आपको इस कहानी में ही सुनने को मिलेगा। और साथ के साथ आप इस कहानी में ये भी जानेंगे कि दिखावा करने वाले लोगों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए, या फिर आप खुद दिखावा करने से कैसे बचें, ये सब आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। कभी कभी जीवन आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे ही मुश्किल में रोहन नाम का एक युवक फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था, कई महीने बीत चुके थे। वो अपने घर से ये कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी, और उन सब ने योजना बनाई थी कि वो किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उससे हासिल कर लेंगे। छल, कपट, झूठ और प्रपंच, यही रोहन और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी कि वो किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते हों, और वहां पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज्यादा दिखावा करेगा उनका शिकार वही होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां पर नगर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वो एक ऐसा नाटक रचेंगे जिसमें रोहन किसी नगर का महाराज कहलाया जाएगा, और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ रोहन ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पहुंचे जहां पर शहर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। रोहन उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नजर उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहन उन सब में सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, बेहद आकर्षक लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद रोहन एक ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब रोहन वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके पास खड़े हुए थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये किस नगर के महाराज हैं। उसी भीड़ में रोहन का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि रोहन किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है, और सब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वो अमीर लोग जो ज्यादातर दिखावा करते थे
जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे। ऐसे लोग रोहन के आसपास मंडराने लगे थे। वो रोहन को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में ये महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरा राजा भी पहुंचा, जो रोहन का ही एक साथी था और वो भी रोहन की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वो दूसरा राजा रोहन के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी और रोहन, जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वो इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब रोहन ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाही तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे पोटली नहीं मिली तो वो गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सब नीची गर्दन करके खड़े हुए थे। रोहन ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं पर गुम गई है। मैं मानता हूं कि मैं जुए में हारा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे दो तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राजमहल में चले आना, वहां पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर वो सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वो रोहन को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहां पर उसके अंगरक्षक और इधर रोहन के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूं, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। ये रहा मेरा पता। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने रोहन को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जितने वो जुए में हारा था। उसने वो सिक्के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसे इसका इनाम जरूर दूंगा। और ये कहते हुए रोहन ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक हमारे नगर में हमारे राजमहल के अंदर चले आना। तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वो अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नजर में ऊंचा बन जाऊं कि भविष्य में कोई मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या समय सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। रोहन ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए रोहन वहां से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था जिससे उन्होंने बहुत सारा धन भी ऐंट लिया था। रोहन ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वो किसी अमीर आदमी को बेवकूफ बना देगा तभी वो इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहां पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए उसने अपने उस साथी को बुलाने के लिए कहा जो दूसरे राजा का भिन्न कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी रोहन का वो साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब रोहन को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी को बेवकूफ बनाया है और सारा धन लेकर वो रफू चक्कर हो गया है। जब रोहन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वो इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वो उसे इस नगर में जरूर किसी ना किसी दिन पकड़ लेगा
और जिस दिन वो उसे पकड़ लेगा उसे लंबी कारावास हो जाएगी। यहां पर समझने की बात यह थी कि वो अमीर आदमी उन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं राजा के कितने करीब हूं, मैं उनकी मदद करता हूं, ताकि दूसरे अमीर लोगों को ये लगे कि इसके संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ये बहुत अमीर और बहुत रईस लोगों के बीच में उठता बैठता है, जिससे उसका ओहदा अपने साथियों के बीच बढ़ सके। इसीलिए उसने दिखावे की वजह से रोहन रूपी राजा को वो धन उधार दे दिया था। और रोहन तो जैसा कि आप सबको पता है, वो तो इसीलिए दिखावा कर रहा था कि वो किसी को अपना शिकार बना सके। लेकिन वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों को दिखावे की सजा मिली। उस अमीर आदमी का धन लूट गया और यहां रोहन को उसके साथी ने ही बेवकूफ बना दिया था। कुछ समय बाद रोहन को उस नगर के दरबारियों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ कपट हुआ है, और वो किसी भी कीमत पर रोहन को ढूंढना चाहता था। इसीलिए रोहन को छुपकर जंगल के रास्ते से वो नगर छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में छुपते छुपाते वो एक दिन एक भिक्षु की कुटिया में पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। रोहन उस भिक्षु के चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे रोहन को देखा। उन्होंने रोहन से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो। रोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनको बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूँ, और नगर में मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ, मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं, खुश होकर शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं, मैं थक गया हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, ये जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वो दिखावा करने से चूकता नहीं है, ये तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो ये लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है, तुम साधारण नहीं रह पाते। तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो और इसीलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वो सामने वाले की नजर में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी ना किसी तरह सामने वाले आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमसे दूर भी हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं, हमें इसका कभी एहसास ही नहीं होता और हम अकेले पड़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिसे हम अपना कह सकें, जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने एकांत का आनंद उठाता है, कोई आए तो ठीक और जाए तो भी ठीक, वो किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करेगा, और इसीलिए उसका जीवन सरल होता चला जाएगा, साधारण होता चला जाएगा। और जितने सरल तुम बनते जाओगे उतनी ही आसानी से तुम ध्यान में प्रविष्ट हो पाओगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते और वो लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। वो जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते,
वो खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन वो अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर ये कमी है, लेकिन अहंकारवश दिखावे के कारण ना तो वो अपनी बुराई सामने वाले के सामने बता पाते हैं और ना ही उसको खुद स्वीकार करके उसको ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नजरिया होता है। अगर हमारा नजरिया साफ है, शुद्ध है, तो हमें शुद्ध लोग ही टकराएंगे, और वहीं पर अगर हमारा नजरिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग टकराएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और ये गोला निरंतर चलता रहता है। इस चक्र से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, किसी को भी जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर, ध्यान की गहराइयों से अपने जीवन का परिचय कराओ, तब तुम्हें जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को झूठ बोलना, जबरदस्ती दिखावा करना, ये जीवन नहीं है, ये कुछ और है, ये दुख है, ये संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसीलिए तुम दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा रखा है। और ये कहकर वो भिक्षु कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद रोहन ने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वो दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वो सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ वो उस जंगल को पार कर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।